में इस बच्चे को यहाँ से ले जाओ, वरना इसकी लाश फट सकती है, क्योंकि इसे काले सर्प ने डसा है। आदि साड़ी को फाड़ कर आज रानी तारा ने बेटा रोहित दास के ऊपर डाली, लहस को गोदी में लिया, मरघट के लिए स्वयं लेके जा रही है। भारी धूप पड़ रही है, चला नहीं जाता। आज रानी तारा बेटा रोहित दास की लहस को लेकर के धीरे धीरे मरघट में पहुंची, और जब मरघट में पहुंची है तो लाश को जमीन पर रख दिया। उसके बाद चिता बनाने लगी है, और कट कट की आवाज राजा हरिश्चंद्र के कानों में पहुंची। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, अरे कौन है भाई, शायद तुम्हें एक बात पता नहीं है कि इस मरघट में कोई रखवाला भी रहता है। पास में आई रानी तारा, तुम और इतनी रात में मरघट में क्या कर रही हो? रानी तारा ने कहा, महाराज आपके बच्चे को किसी काले सर्प ने डस लिया है, और इसका दाह संस्कार कर दो। हरिश्चंद्र बोले, हमारे महाराज का कहना है कि दाह संस्कार तो तब होगा कि पहले हमें कुछ करका टका चाहिए। रानी तारा ने कहा, कैसी बातें करते हो, भला मेरे पास क्या रखा है देने को, और मैं आपकी रानी हूँ तारा, ये तुम्हारा बेटा है रोहित दास। जब रानी तारा ने ये परिचय दिया तो हरिश्चंद्र ने कहा, तुम तो ऐसे बता रही हो जैसे मैं जानता नहीं हूँ, तुम तो हमें ऐसे परिचय दे रही हो जैसे आपको जानता ही नहीं हूँ मैं। अरे रानी तारा, मैं तुम्हें बहुत जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि तुम मेरी रानी तारा हो, ये मेरा बेटा रोहित दास है, लेकिन आज मैं कहता हूँ कि मेरी कोई रानी आई नहीं है, कोई मेरा बेटा नहीं है। क्यों? हरिश्चंद्र ने कहा, जब अपने ऊपर समय आया तो मैं आपकी रानी तारा हूँ। अरे रानी तारा, एक दिन मेरे भी ऊपर समय था, याद करो उस दिन की। कौन से दिन की? तो हरिश्चंद्र रानी तारा को समझा के बोले। क्या बोले हरिश्चंद्र ने? जवाब दिया, अरे ले भादो को नाम, अरे ले भादो को नाम, याद करे बात न की रे गोरी, आज हरिश्चंद्र ने कहा, आज तुम हमारी रानी तारा बन रही हो, लेकिन याद करो उस दिन की। कौन से दिन की? तो हरिश्चंद्र रानी तारा को समझाए के बोले, अरे ले बातों को नाम, याद करे बात न किरे गोरी, और का भक्की की छुता कगरिया ले आए ते गोरी। आज हरिश्चंद्र ने कहा, याद करो उस दिन की जिस दिन मैं तुम्हें घाट पे मिला था, तो मैंने कहा था आप हमारे घड़ा को उठवा दो, तब जानती हो तुमने क्या जवाब दिया, याद है कुछ तुम्हें? हरिश्चंद्र बोले, अरे भाइया तुम बात ना पंडितानी, आपने हमसे ये कहा था कि आपके पास घड़ा मैत्र का है और मेरे पास है घड़ा ब्राह्मण का है, अगर मैंने आपके घड़ा को उठवा दिया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, और फिर आज आप हमारे पास में क्यों उस बच्चे को लेके आई हैं? हरिश्चंद्र बोले, अरे भाइया तुम बात न पंडितानी, अब धरन लागी ला सभी मेरे प्रिय श्रोता। उसी समय हुआ क्या, आधी साड़ी बची थी, अरे का साड़ी का फड़ा मेरे थी,
टाली नहीं टलती। याद रखना मेरे प्रिय श्रोता, अरे करम दते विपत्ति की घड़ी में कोई भी अपना नहीं होता। अरे देख भैया विपत्ति के खेला, और विपत्ति ने विपत्ति हाय विपत्ति ने विपता, अरे विपत्ति ने खेला रे जगा दे जाए घर को भैया इसीलिए कहना है दासों कर ले हरि को भजन हिया ना तू इतना को मेला है, दासों कर ले हरि को भजन हिया ना तू इतना को मेला है। आधी साड़ी कफन में दे दी, नगिन हो गई रानी तारा। शर्म की वजह से गांव में नहीं गई, गांव के बाहर एक मंदिर था उसी में जाके रुक गई। विश्वामित्र ने इधर दो बच्चों की चोरी की और गांव में आवाज लगा दी, काशी के लोगों तुम्हारे गांव में एक डायन आ गई है जो बच्चों की चोरी करती है, बच्चों का कत्ल कर देती है। मंदिर को घेर लिया चारों तरफ से, मगर किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही है जो मंदिर के अंदर जाके देखे। हरिश्चंद्र ने हाथ में तलवार ली, मंदिर के अंदर पहुंचे, केसों को पकड़ के उठाया। कहते हैं या तो दुख में नींद सताती है और या फिर दुख में भूख सताती है। रानी तारा को नींद सता रही है, रानी तारा सो रही है। हरिश्चंद्र ने केसों को पकड़ के जो उठाया और जवाब दिया, रानी तारा तुम अरे बच्चों का कत्ल करती हो, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही हाथ में तलवार उठाई और जो मारना चाहा, विश्वामित्र ने आकर के तलवार पकड़ ली। क्या करने जा रहे हो? अरे आपकी रानी है तारा। हरिश्चंद्र ने कहा मैं जो करता हूँ मुझे करने दो। विश्वामित्र ने कहा राजा हरिश्चंद्र अरे मैंने तो तुम्हारी परीक्षा ली थी और तुम परीक्षा में बिल्कुल पास हो चुके हो।